असलकुम डियर स्टूडेंट्स टूडे आवर टॉपिक इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इसका मतलब है कि आज हम कैलकुलेट करेंगे uh, कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की यानी एयर में साउंड uh, की जो स्पीड है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड ऑफ साउंड यानी कोई भी साउंड किसी भी मीडियम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करे, जितने टाइम के अंदर कवर करे, डेट इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड डियर स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लैंगीट्यूडनल वेव्स है तो वेव्स और एक है हमारे पास ट्रांसफर्स uh, लॉन्गिट्यूडनल uh, वेव्स के लिए हमने रिलेशन uh, डिराइव किया था जो कि न्यूटन फार्मूला है न्यूटन रिलेशनशिप है जिसको न्यूटन ने कैलकुलेट किया था न्यूटन ने डिराइव uh, किया था वो रिलेशन uh, यहाँ पर स्पीड वी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल ई एंड डेंसिटी इज एंडीटेड बाय रो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मुराद उस मीडियम की इलास्टिसिटी है यानी वो मीडियम कितनी इलास्टिक है अगर इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी अगर इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी डिक्रीज होगी इसी तरह इट आल्सो डिपेंड्स अपन द डेंसिटी ऑफ डेट मीडियम डियर uh, स्टूडेंट्स तो ये रिलेशन है v इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय रो स्क्वायर रूट ये फार्मूला डिराइव किया था न्यूटन ने आज हम इसी फार्मूले को इसी मैथमेटिकल फॉर्म को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड तो न्यूटन ने कहा था कि जब स्पीड ऑफ साउंड जो है किसी भी मीडियम uh, के अंदर या यानी uh, ईयर में ये प्रोपेगेट करती है तो साउंड इज़ कंजिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन ये कंप्रेशन एंड रियरफे पर होता है और कंप्रेशन के अंदर uh, जहाँ पर मालिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं तो टम्प्रेचर इंक्रीज होता है और जब यही मालिक्यूल्स रियरफेक्ट हो जाते हैं तो टम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए इसी वजह से टम्परीचर का इंक्रीज होना और डिक्रीज़ होना जो टोटल नेट टम्परीचर है जो टोटल अमाउंट ऑफ टम्परीचर है वो सिस्टम का वो रिमेंस कांस्टेंट होता है इसलिए न्यूटन ने ये एक्सप्लेन किया था कि ये सारा प्रोसेस जो होता है द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड तो ये आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर होता है आइज़ोथर्मल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टम्प्रेचर ऑफ़ सिस्टम कांस्टेंट रहता है यानी टम्परेचर ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है अगर हम यहाँ पर यहाँ पर देखें तो ये एक कंप्रेशन है और ये कंप्रेशन एक डिस्टरबेंस है जो कि प्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मोमेंट करती हैं तो कंप्रेशन में मालिक्यूल्स जब कंप्रेस हो जाते हैं तो उनका टम्परेचर इंक्रीज होता है और यही मालिक्यूल्स जब फैक्ट हो जाते हैं तो इसका टम्परेचर फॉल होता है डिक्रीज़ होता है लेकिन टोटल नेट टम्परेचर कॉन्सटेंट होता है इस वजह से ये प्रोसेस न्यूटन कहता है कि ये सारा कुछ आइज्रोथर्मल कंडीशन के अंदर होता है डियर uh, स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक के अंदर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट करने के बाद डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास हैं तो वो दोनों क्वांटिटीज जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हम uh, इस uh, काबिल हो जाएंगे कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डियर uh, स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ देखें ये यह मेरे पास नॉर्मल एयर मालिक्यूल्स हैं यानी इस वक्त इस वक्त कोई साउंड यहाँ प्रोपेगेट नहीं कर रही इसका मतलब ये है कि यहाँ मालिक्यूल्स नॉर्मल पोजीशंस में हैं तो यहाँ जो प्रेशर है उसको P1 से मैंने कंसिडर किया जो कि P के बराबर है नॉर्मल प्रेशर है और यहाँ जो इन मालिक्यूल्स की वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम V1 वो मैंने बराबर लिया है वी के मैं इस एयर मालिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ कोई साउंड नहीं है तो इन मालिक्यूल्स की हमारे पास जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी है और जो यहाँ वॉल्यूम है इन मालिक्यूल्स की तो वो इस वक्त वी है जब किसी भी सोर्स से साउंड प्रोपेगेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड इन मालिक्यूल्स को कंप्रेस कर देते हैं विच इज़ न एज कंप्रेशन और यही कंप्रेशन यही डिस्टर्बेंस फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है जिसे हम कहते हैं कि साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई अब यही एयर मालिक्यूल्स जब साउंड प्रोविगेट करता है तो यही मालिक्यूल्स कम्प्रेस हो जाते हैं ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ड्यू टू द साउंड एनर्जी तो यहाँ अगर आप देखें तो ये मालिक्यूल्स करीब आ जाते हैं इट मीनस कि यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुई हैं कंप्रेशन में मालिक्यूल्स कंप्रेस हो जाती हैं जहाँ प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ का प्रेशर मैं P2 से रिप्रेजेंट करूँ तो एक तो मेरे पास ये प्रेशर था P ये नॉर्मल प्रेशर था और जो इजाफा हुआ है तो वो डेल पी से रिप्रेज़ेंट किया तो इस मालिक्यूल के कंप्रेशन में जो चेंज इन प्रेशर आया है तो वो नॉर्मल प्रेशर प्लस जो एक्स्ट्रा प्रेशर उसमें एड कर दिया गया है जिससे ये कंप्रेशन क्रिएट हुआ है ड्यू टू द साउंड अब यहाँ वॉल्यूम मेरे पास इसका वॉल्यूम ये है लेकिन जब प्रेशर बढ़ गया तो जो न्यू वॉल्यूम मेरे पास है तो वो मेरे पास माइनस v माइनस डेल वी इसका मतलब ये है कि मालिक्यूल्स कंप्रेस हो गए कंप्रेशन के आने से तो जो जो कमी आई है जो डिक्रीजिंग आई है तो वो डिक्रीजिंग यहाँ पर डेल वी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसको मैं ओरिजिनल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इस कंडीशन में इस सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे बॉयल्ह इस कैलकुलेशन के लिए हम बॉइल जिला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉयल जिला पी वी इज एकल टू कॉन्सटेंट मीन्स कि प्रैशर एंड वॉलीम हमेशा आ, उसमें जब डिक्रीजिंग अगर होती है या इंक्रीजिंग अगर होती है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन कॉन्सटेंट के बराबर है और यहाँ इस ला के अंदर टम्परेचर जो है वो क्वान्टिट्टी कॉन्सटेंट है या इसी इलाका दूसरा फॉर्मेट हमारे पास कि पी वन वी वन इज एकल टू पी टू वी टू इसका मतलब ये है कि यहाँ जो प्रेशर पी वन है और यहाँ जो वॉल्यूम वी वन है इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है यहाँ प्रेशर पी टू है और वॉल्यूम वी टू है यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है तो इन दोनों के प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है एंड दिस इज़ बॉयल्स लॉ डियर स्टूडेंट्स ये जो P है तो ये नॉर्मल प्रेशर ऑफ द एयर है यहाँ ये एयर है ही रियल नॉर्मल प्रेशर है ज, और यहाँ जो V1 वॉल्यूम है तो ये नॉर्मल वॉल्यूम है इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अब यहां P1 प्रेशर P के बराबर है n V1 V के बराबर है जब कंप्रेशन आता है कंप्रेशन कोई भी साउंड प्रोड्यूस करता है इस मीडियम के अंदर एयर के अंदर तो यहां प्रेशर में इंक्रीजिंग अगर होता है जो न्यू प्रेशर होता है तो वह न्यू प्रेशर पी टू से रिप्रजेंट हो रहे हैं जो कि बराबर है पी प्लस डेल पी के और इस प्रेशर के इंक्रीजिंग से जो वॉल्यूम में डिक्रीजिंग अगर होती है तो वो वॉल्यूम वी माइनस डेल वी है डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन ए में यानी ये जो मेरे पास बॉयल्स ला है इसी इक्वेशन में P1, P uh, V1, P2 वन पी टू एंड वी की जगह पर P1 की जगह पर ये वैल्यू और V1 की जगह पर ये वैल्यू और P2 की जगह पर ये वैल्यू और V2 की जगह पर ये वैल्यू जब मैं पुट कर देता हूँ तो इक्वेशन A बिकम्स पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी ये P2 की जगह पर V माइनस डेल वी ये V2 की जगह पर डियर डियंस जब हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है पी वी पी वी के साथ कैंसिल हुआ ये प्लस है इस साइड पे आएगा माइनस होगा ये रिलेशन बनेगा जीरो इक्वल टू माइनस पी डल वी प्लस डेल पी वी और माइनस डेल पी एंड डेल वी ये जो चेंज इन प्रेशर है डेल पी से जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसमें इंक्रीजिंग अगर हुआ है या जो डिक्रीजिंग अगर हुई है इस वॉल्यूम के अंदर बाय डेल वी तो ये क्वांटिटी इतनी स्मॉल है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल होती है इस वजह से कोई भी स्मॉल से, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं मल्टीप्लाई uh, करता हूँ एक वैल्यू ज़ीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट वन तो वैल्यू हमारे पास आती है 0.01 देखो एक स्मॉल वैल्यू जब एक स्मॉल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये मज़ीद कम होता है मजीद स्मॉल होता है डिक्रीजिंग मज़ीद इंक्रीज हो जाता है इस वजह से ये जो वैल्यू है माइनस डेल पी डेल वी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डेल पी भी स्मॉल है वेरी वेरी स्मॉल है और डेल वी भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है लिहाजा ये जो माइनस पी डेल वी है इसको एक्वलिटी के इस तरफ ले कर तो ये प्लस हुआ ये यहाँ नेगेटिव है और ये क्वांटिटी मेरे पास इधर आई है और इस क्वांटिटी को हमने निगलैक्ट कर दिया क्योंकि डेल पी और डेल वी सो so स्मॉल तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी स्मॉल है डिवाइड बोथ साइड बाय डल वी इस साइड को भी डल वी से डिवाइड किया और इस साइड को भी डल वी से डिवाइड किया तो यहाँ जो डल वी है वो डल वे के साथ कैंसिल हुआ यहाँ डल पी वी डिवाइड बाय डेल्टा वी इसी रिलेशन को हम यू भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू डल पी डिवाइड बाई डल वी डिवाइड बाई वी यानी ये वी हम नीचे लेकर आते हैं तो इस फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हैं दोबारा ऊपर लेकर जाएं तो भी हमारे पास वापस ये रिलेशन बनता है अब ये जो डल वी डिवाइड बाई वी है यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम 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 वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेन यानी के अंदर चेंज चेंज अगर हो जाए इट बिटवीन इन बाय दे रहा है स्ट्रेस क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्ट्रेस हमारे पास क्या चीज है स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर तो प्रेशर का भी यही रिलेशन है तो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज नॉन एज मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है जो कि कैपिटल ई से रिप्रेजेंट हो रहे हैं so, सो प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन और स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन जो है वो बराबर है इलास्टिसिटी के सो प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिसिटी पुट इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सॉरी स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन है जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी स्क्वायर रूट है तो ये जो इलास्टिसिटी uh, है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं प्रेशर पी डियर स्टूडेंट्स तो इक्वेशन वन बन गया वालासिटी स्पीड इज एक टू प्रेशर डिवाइड बाई डेंसिटी स्क्वायर रूट इसको इक्वेशन बी का नाम दिया डेयर स्टूडेंट्स ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट होती है फ्लूड के अंदर तो उसका रिलेशनशिप हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो रिलेशन होता है रो जी एच लेकिन यहाँ ये जो रो के साथ स्माल एम लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी uh, मरकरी यानी डेंसिटी ऑफ मरकरी का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो इसकी हम मेजरमेंट करते हैं बाय बैरोमीटर तो बैरोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं यहाँ ये एक बैरोमीटर है जिसमें एक यहाँ पर एक ट्यूब है जिसकी लेंथ वन मीटर होती है यहाँ इसमें मरकरी uh, है जिस मरकरी के जरिए हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं अब यहाँ जो मरकरी कॉलम है डेट इज कॉल मरकरी कॉलम इसकी हाइट थर्ड सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर होती है टोटल इसकी लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर है और ये जो मरकरी कॉलम है तो इसकी लेंथ हमारे पास ये जो हाइट है ये हाइट 76 सेंटीमीटर है ये जो मरकरी की डेंसिटी है डेट डिनोटेड बाय रो एम स्माल एम मर्करी को रिप्रेजेंट करता है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी जिसकी वैल्यू थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसी तरीके से ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर में अगर हम ले लें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर में हम क्यों ले रहे हैं इस वजह से सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये जो कालम है इसकी भी लेंथ हमारे पास uh, सेंटीमीटर में है इस वजह से डियर स्टूडेंट्स जब प्रेशर रिलेशन हमने लिखा कि रो जी एच रो यहाँ पर दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी जी इज़ द ग्रेविटी एन हाइट एच इज़ दालम ऑफ द मर्की कॉलम यहाँ यह एक बैरोमीटर है विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमासपेरिक्रेशर एटमोसपेरक प्रेशर को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं तो इस, इस ट्यूब की लेंथ तो वन मीटर है यानी इसकी लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर है इसमें नॉर्मल एटमासपेरक प्रेशर जब कैलकुलेट किया जाता है तो इस मरकरी कॉलम की जो हाइट है दैट इज 76 सेंटीमीटर तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर ये ये जो रो है तो ये रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ एयर जिसकी वैल्यू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन टू नाइन सिक्स सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर डियर स्टूडेंट्स जब ये वैल्यूज़ इसी रिलेशन में हम पुट कर देते हैं तो ये रिलेशन बनेगा डेंसिटी uh, आप मरकरी थर्टीन थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई नाइन एट ज़ीरो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर डिवाइड बाय ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन टू नाइन सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करेंगे यानी थर्टीन पॉइंट सिक्स को आप नाइन एट ज़ीरो से फिर आप सेवेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इस वैल्यू पे आप डिवाइड करें और फिर उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट जो है आप गेट करेंगे टू एट वन टू एट वन ज़ीरो ज़ीरो सेंटीमीटर पर सेकेंड जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट टू एटी वन मीटर पर सेकेंड डेट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड जो न्यूटन ने कैलकुलेट किया था लेकिन यहाँ ड्रॉबैक क्या है डियर स्टूडेंट्स यहाँ ड्रॉबैक ये है यहाँ इसकी फेलियर ये है कि जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो वैल्यू आई है इसी कैलकुलेशन से न्यूटन की कैलकुलेशन से तो एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप स्पीड आप साउंड वो वो थ्री हंड्रेड एन 32 मीटर पर सेकेंड है लेकिन न्यूटन ने कैलकुलेट किया 281 मीटर पर सेकेंड, लिहाजा इसके अंदर मिस्टेक है इसके अंदर एरर है यह एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये इसी के ड्रॉबैक है तो इस वजह से ये जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की है तो एक्चुअल वैल्यू ये है और न्यूटन ने यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है तो ये जो 281 है आई थिंक ये 16 परसेंट डिक्रीज है फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड है लेकिन न्यूटन ने ये कैलकुलेट किया जिसको बाद में एक और साइंटिस्ट ने करेक्ट किया विच इज़ नॉन एज ला पास करेक्शन डियर स्टूडेंट्स लाप्लास करेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस रिलेशन के अंदर जो करेक्शन की है न्यूटन ने इस रिलेशन के अंदर जो लाप्लास ने करेक्शन की है वो हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे और उसी करेक्शन के बाद जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है जो एक्जेक्ट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड है वो हम गेट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वस्सलाम